अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप लोगों ने अब तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 तक, सबक नंबर 5 तक। आज पढ़ेंगे सबक नंबर 6। सबक का नाम क्या होगा? पानी की आलूदगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है पानी की आलूदगी। इसके बाद आपको वो तमाम चीज़ें बताया जाएगा जो इसकी अंदर ज़रूरत आपको है। जैसे देख रहे हैं, यह है पानी की आलूदगी, ये चैप्टर का नाम हो गया। अब इसके अंदर पानी हमारे कैसे ख़राब हो जाते हैं, पानी की कितनी कितनी बड़ी नियामत है, इन तमाम चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर लिखा गया है। इस चैप्टर का राइटर कोई नहीं है, और ये चैप्टर क्या है, एक मजमून है जो इदारे ने, संस्था ने इसको छापा है। इसका कोई राइटर नहीं है। अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है, वो तमाम कोई ना कोई राइटर थे, उस राइटर थे, लेकिन इसके कोई राइटर नहीं है, बल्कि संस्था की तरफ से, इदारा की तरफ से इस मजमून को छापा गया है। इसमें आपको समझाया जाएगा कि पानी किस तरह कीमती चीज़ है। देखिए लिखा है हवा पानी, क्या लिखा है, हवा पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। क्या है? हवा पानी ग़िज़ा सेहत और ज़िंदगी के लिए यह हमारी क्या है, ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, हवा पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बेहतियाती और बेकायदी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम अगर पानी को इस्तेमाल करने में, यूज़ करने में अगर एहतियात नहीं करेंगे, तो वही पानी जो हमारी ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए करामदीद होती है, वो ख़राब होकर के हमारी सेहत को ख़राब कर सकती है। फिर लिखा है कि खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएँ, तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उनको आलूद कर देते हैं। जी मालूम हुआ कि हम खाने की चीज़ों को खुला छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, उसके अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां उससे पैदा हो जाती है। लिहाजा हमें खाने को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, गर्द गुबार, कारखानों से निकलने वाले धुआं और मोहलिक गैसें हवाएँ हवा में आलूदगी पैदा करती हैं। फैक्ट्रियाँ हैं, कुल कारखाने हैं, जिससे कचरे निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, उन चीज़ों के भी फैलने से हमारे खाने पर असर पड़ता है और हमारी सेहत पर असर पड़ता है। जब प्रदूषण ख़राब होता है, फैजाएँ ख़राब होती है, तो जिससे हमारी सेहत पर ख़राबी आती है। लिहाजा शायरी बताना चाहते हैं, जो मजमून जो है, इसके अंदर हमें आपको तालीम दी गई है कि हमें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे पीने की पानी की ज़खीरे के किस तरह आलू हो जाते हैं। हमारे पीने के पानी के ज़खीरे किस तरह आलू होते हैं, बावलियों, तालाबों और नहरों के। देखिए आपको मैं निशानदेही कर दे रहा हूँ कि पहले आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे पीने की पानी के ज़खीरे किस तरह आलूद होते हैं, आलूद बने ख़राब हो जाते हैं, कि हम बावलों कह देते हैं, बावलों किसको, ये बावलों कहते हैं जिसमें पानी नीचे से निकलता ना, जिसको हम कुआं भी कहते हैं, कुआं और तालाब और नहरों, है ना, कि पानी कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं, इंसान भी वही नहाते हैं। इसी तरह इंसानों और जानवरों की सारी जिंदगियां, गंदगियां बावलियों और तालाबों में दाखिल हो जाती हैं और पानी आलूद हो जाता है। इसलिए हमें इससे एहतियात करना चाहिए कि उन चीज़ों को साफ़ सफाई का ख्याल करना चाहिए। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, यह आपकी मेन बुक की ये पिक्चर है, जो आपकी किताब का नाम है जान पहचान। ठीक है, उसके बाद ये आपने जान लिया कि इसके अंदर पानी की आलूदगी के बारे में बताया गया है कि पानी को हमें साफ़ सुथरे जगह पर रखना चाहिए और फिर पानी को ढक कर रखना चाहिए, या जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर हमें गंदगी फैलाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है, और सेहत के अंदर ख़राबी पैदा होती है। अब आइए इस चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग है वो आप देख लेते हैं। ये लिखा है आलूदगी। आलूदगी मीन्स क्या होता है? आलूदगी मीन्स होता है मिलावट, गंदगी। आलूदगी लिखा है, आलूदगी माना क्या होता है, मिलावट और गंदगी और मैलापन, ये तीनों माना इसके आएंगे। ठीक है, उसके बाद बेएहतियाती। बेएहतियाती का माना क्या होगा? बेएहतियाती जो दिया है इसका माना होता है लापरवाही। क्या होता है? लापरवाही। हम किसी चीज़ को खुला छोड़ देंगे, इसको हम लापरवाही बोलते हैं। नेक्स्ट में बेकायदी, बेकायदगी। बेकायदगी का मतलब क्या होता है? बेकायदगी जो ये लफ्ज़ है, ये बेकायदी लफ्ज़ है, इसका माना होता है बेतरतीबी, यानी किसी चीज़ को तरतीब से नहीं रखने को हम बेकायदगी बोलते हैं, और उसको बेकायदगी बोलते हैं, और बेतरतीबी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जरासीम। जरासीम मीन्स क्या होता है? तो जरासीम मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। जरासीम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जरासीम मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये जरासीम है। जरासीम माना होता है कीड़े मकोड़े। ठीक है, उसके बाद से आलूदगी लिखा है, आलूदा लिखा है, तो आलूदा माना क्या होता है? गंदा।
आलूदा मीन्स क्या होता है, गंदा, ये लिखा है आलूदा, माना होता है इसका गंदा, याद करना आपको है। फिर जर्रात, जर्रात के माना क्या होता है, जर्रात कहते हैं जर्रा की जमा है जो रेजे रेजे छोटे छोटे जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं जर्रात के, जर्रा बोलते हैं जो जर्रा के रेजे, जर्रा की जमा है जर्रात, और छोटे छोटे टुकड़े को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है नमकियात, क्या है नमकियात, नमकियात मतलब क्या होता है, खारी चीज़ को हम नमकियात बोलते हैं, ये है नमकियात, देख रहे हैं ये नमकियात है, माना होता है इसका खारी चीज़ें, क्या होता है खारी चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट। ये तमाम चीज़ें हैं आपको पढ़ना है। अब आप देखिए, सेहत के लिए हवा पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है, सेहत के लिए हवा पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है। इम्तिहान में पूछ सकता है कि सेहत के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप बताएंगे कि सेहत के लिए हमें क्या है, हवा पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जानवरों और इंसानों के नहाने से बावलियों और तालाबों का पानी गंदा हो जाता है कैसे, ये पूछ रहा है कि जानवरों और इंसानों के नहाने से पानी हमारे गंदा हो जाते हैं वो किस तरह, वो किस तरह, ये आपको जवाब देना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका देख रहे हैं। बीमारियों के, अच्छा, जानवरों और इंसानों के नहाने से बावलियों के अंदर और तालाबों का पानी गंदा हो जाता है, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, इससे एहतियात करना चाहिए ताकि ये गंदगी हमारे अंदर नहीं आए। बीमारियों के फैलने की वजह गंदगी, गंदे पानी की इस्तेमाल भी है, जी स्टूडेंट ये बताया जा रहा है इस सबक के अंदर, गौर किया जा रहा है आपको कि इंसान की तंदुरुस्ती के अंदर एक राज ये है कि इंसान गंदे पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करे, गंदे पानी के इस्तेमाल से इंसान को बचना चाहिए। आलूदा पानी के पीने के लायक बनाने के लिए खूब उबालना चाहिए, बताया जा रहा है कि जो पानी के अंदर गंदगी फैल चुकी है या पानी बहुत पुराना हो चुका है तो उसको उबाल देगा आदमी, इसको जोश दे देगा यानी कि पानी गर्म कर देगा तो इंसान बीमारी से बच सकता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, आपके मेन बुक में जो क्वेश्चन है, आलूदगी से क्या मुराद है, आलूदगी से क्या मुराद है, ये सवाल आपको याद करना है। तो आलूदगी से क्या मुराद है, इसका जवाब है किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए, सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक है कि आलूदगी से क्या मुराद है, जवाब है कि जब किसी चीज़ में गंदगी शामिल हो जाती है और वह आलूदा हो जाता है, पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने, इंसानों के नहाने से पानी ख़राब हो जाता है, ये ख़राब ही होना आलूदगी कहलाता है। मालूम हुआ कि आलूदगी से क्या मुराद है, मुराद ये है कि इंसान जब पानी को इस्तेमाल करता है और उसके साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं करता है, जानवरों को वहाँ नहलाएगा और फिर साथ में खुद भी नहाएगा, कपड़े धोएगा, तो जाहिर सी बात है उसके मैल कुचल गंदगी जो गिरेगी फिर पानी के अंदर जाएगी, जिससे वजह से पानी हमारा ख़राब हो जाएगा, इसको हम आलूदगी कहते हैं। सवाल नंबर दो में है, खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती है, सवाल नंबर दो है कि खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि सवाल नंबर दो है कि खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं, उसका जवाब है खाने पीने के चीज़ों को अगर ढाँक कर ना रखा जाए, ढक कर ना रखा जाए, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो मक्खियाँ और गर्द गुबार फैलाने वाले बीमारी फैलाने वाले जरासीम उन्हें आलूदा कर देते हैं, इस पर जब बैठेंगे या पखाना करेंगे या उसमें गंदगी फैलाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, इसलिए बताया कि खाने पीने की चीज़ों को सफाई के साथ ढक करके रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बता रहा है कि पानी हासिल करने के लिए कुदरती ज़रिए कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी हासिल करने के लिए कुदरती ज़रिए कौन कौन से हैं, तो उसका जवाब है कि पानी हासिल करने के लिए नहर, तालाब, बावलियां, बारिश का पानी जो कुदरती ज़रिए से होता है, ये तमाम चीज़ें हमें पानी कुदरती हासिल करने के ज़रिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार में है, क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे आप क्या है, क्वेश्चन नंबर चार में पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है, पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है, तो स्टूडेंट इसका जवाब होगा कि जब नहरों तालाबों और बावलों में, नहरों तालाबों और क्या होता है, नहरों तालाबों और बावलों में, बावलियों पर कपड़े धोए जाते हैं और जानवरों और इंसानों को नहलाते हैं, उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले मैल कुचैल धुएं, उसके अंदर कचरा
भी आ जाते हैं जिसकी वजह से पानी को आलूद कर देता है, लिहाजा इसे एहतियात करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बता रहा है कि शहरों की गंदगी किस तरह दरिया में शामिल हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान में आपसे पूछ सकता है कि शहरों, क्वेश्चन नंबर फाइव है, शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती हैं। जी स्टूडेंट, शहरों में गंदे पानी के नालियां और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं, इस तरह उनकी गंदगी दरिया के पानी में शामिल होकर के दरिया के पानी को गंदा कर देते हैं और उसको गर्द आलूद कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है। स्टूडेंट आप जानते होंगे कि आलूदा पानी को काबिल बनाने के लिए, यानी पीने के काबिल बनाने के लिए, पहले उसे आग पर उबाला जाएगा, जोश देते हैं चुटकी पोटाशियम और पोटाशियम पर मैग्नेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। उसके साथ अगर पानी गदला हो तो उसमें फिटकरी के टुकड़े डालें और फिर कपड़े से छान लें, इस तरह मिट्टी के ज़र्रात हमें बैठ जाते हैं और पानी साफ शफाफ हो जाता है। जी स्टूडेंट, हमने आपको वो तमाम चीज़ें दिया जो पानी के आलूदगी के ताल्लुक से थे। अब आइए आप देखते हैं मेन बुक में आपके जो क्वेश्चन है, कुछ उन जुमलों को इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे बनाना है वो आपको देखना है। जी चलिए, क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमला बनाइए। आपको जुमला बनाना है, इसे लिखा है सेहत, तो सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ा के साथ साफ हवा पानी भी चाहिए। नंबर दो, आलूदगी, आलूदगी खाह हवा में हो पानी में हो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये सेंटेंस बन रहा है, ये जुमला हो रहा है, ये वाक बन रहा है। नंबर तीन में है गर्दोगुबार, खाने पीने की चीज़ों को गर्दोगुबार से बचाने के लिए उन्हें ढाँक कर रखना चाहिए। ठीक है, जरासीम, पांच में है जरासीम, तो गंदे पानी में तरह तरह के जरासीम होते हैं। क्या बोलेंगे, गंदे पानी में तरह तरह के जरासीम होते हैं। उसके बाद है दरिया, तो दरिया का क्या सेंटेंस बनेगा, दरिया में गंदगी शामिल होने से उसका पानी आलूदा हो जाता है। उसके बाद है कुदरती बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा होता है। लास्ट में है तालाब, कपड़े धोने और मवेशियों को के साथ इंसानों को नहाने से तालाब का पानी आलूदा हो जाता है। जी स्टूडेंट, आपने देख लिया कि मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया जाता था, लफ्ज़ों को। अब देखते हैं नीचे कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी मदद से खाली जगहों को भरना है। यहाँ लिखा है पानी, आलूद, बारिश, जरासीम, तो अब इसको आपको भरना है। क्या करना है, भरना है। जैसे पानी है, तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से क्या होता है, आलूद हो जाता है। क्या करना है, आलूद हो जाता है, आपको ये भरना है। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, आलूद ये भरा है यहाँ पर। नंबर एक में आलूदा लिखेगा, तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से आलूदा हो जाता है, हो गया। उसके बाद देखेंगे नंबर दो में, सेहत के लिए साफ ज़रूरी है, क्या चीज़, सेहत के लिए साफ ज़रूरी क्या है, यहाँ भरेंगे आप पानी। क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे आप पानी, यहाँ भरेंगे आप पानी। जी स्टूडेंट देखिए, आपको फिर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, तो यहाँ भरेंगे साफ पानी, सेहत के लिए साफ पानी की ज़रूरत है, ये पानी भरा गया यहाँ पर, ज़रूरी है। नेक्स्ट में देखते हैं, का पानी कुदरती तौर पर साफ होता है। का पानी क्या मतलब हुआ, का पानी का, तो बता रहे हैं बारिश का पानी। यहाँ क्या भराएगा स्टूडेंट, यहाँ भराएगा आपको बारिश भराएगा, क्या भराएगा, बारिश, यहाँ भर देंगे बेल या बा और रे सिंजर रिश, ये बारिश, बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ होता है। मक्खियाँ फैलाती हैं, तो क्या फैलाती हैं स्टूडेंट, तो मक्खियाँ फैलाती हैं क्या चीज़, जरासीम, क्या है, यहाँ बोलेंगे कि लास्ट में मक्खियाँ क्या फैलाती हैं स्टूडेंट, तो बोलेंगे आप जरासीम, यानी कि गंदगी फैलाती है। हमने आपको भर कर करके दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ होगा, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद जमा लिखना है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है अकसाम, क्या लिखा है, अकसाम, तो अकसाम की ये क्या है, अकसाम ये जमा है, इसका हो जाएगा किस्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस्म हो जाएगा। फिर लिखा है ज़र्रात, ये ज़र्रात ये जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा ज़र्रा, ठीक है। फिर लिखा है खराबी, तो खराबी क्या है, ये वाहिद है यानी सिंगुलर है, हो जाएगा इसका खराबियाँ। फिर लिखा है ज़खीरा, तो ज़खीरा क्या है, ये वाहिद है, हो जाएगा ज़खीरे या ज़खायर, इसका पुरर यानी कि जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जी स्टूडेंट, आपने वो तमाम क्वेश्चन को पढ़ लिया,
और आप में जो ग्रामर के तालु से थे भरने वाले वो भी दिखा दिया, वाही जमाते यानी सिंगापुरर वो भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर हमारी बात और कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा एक डिजिटल लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कर दूसरा चैप्टर लेकर के, तब तक खुदा हाफिज़।